तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हम लोग 5-6 तरह की साबुन लेके उसे मेल्ट करेंगे, पिघला के उसे कोशिश करेंगे एक नया साबुन बनाने की, और या मेल्ट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है या क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर भी करना, और आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने दो ईंटों को ऐसे छाजा लिया और हमने एक बर्नर लिया और एक कढ़ाई लिया। कढ़ाई को यहाँ पे रख देते हैं और हम इस बर्नर की मदद से इस कढ़ाई को गर्म करेंगे। उसके बाद ये जो साबुन है आप देख पा रहे हो, ये साबुन एक एक करके पिघला के हम कोशिश करेंगे एक नया साबुन बनाने की, या फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलिए बर्नर को पहले ऑन कर लेते हैं। तो हमारा बर्नर ऑन हो गया, इसे लो फ्लेम में हम इसे कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम एक एक करके, एक एक नहीं हाफ हाफ करके देंगे, छोटा कढ़ाई है नहीं तो पूरा भर जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या साबुन लिया आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। हमारे पास है लक्स छोटा वाला डब, प्यार्स, लाइव बॉय, भीवेल, और यह है पार्क एवेन्यू। एक दो तीन, हमने कुल 6 साबुन लिया है, उसे मेल करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो गाइस, जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो गाइस, हम लोग पहले ये डाब साबुन को आधे करके इसमें डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। चाकू, तो गाइस आप देख लीजिए, हमने इस साबुन को आधे आधे पीस में काट लिया, नहीं तो इसमें देंगे तो पूरा भर जाएगा। तो हमने कुल 6 साबुन लिया, ये है भीवेल, ये डाब है, ये लक्स है, ये पियर्स है, और ये पार्क एवेन्यू, और ये लाइफ बॉय। तो इसे एक एक करके मेल करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो पहले हम लाइफ बॉय को देते हैं। से पूरा मेल्ट कर लेते हैं हम। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। तो गाइस, मैं मास्क पहन लेता हूँ, इसके अंदर से बहुत घटिया सी बदबू आ रहा है। ये सब शायद केमिकल रिएक्शन के वजह से होता है, जो साबुन में केमिकल रहता है उसके वजह से। फ्लेम को हम थोड़ा ऊपर से देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
गाइस देख लीजिए आप, ये कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये सब घर पे बिल्कुल ट्राई मत करना आप लोग। आप लोग जो कर सकते हो वो है वीडियो में लाइक, तो लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो में लाइक कर दो, हम इतने रिस्क लेके वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक बनता है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर देना। गाइस ये देखिए, ये साबुन को पिघलाने के समय क्या होता है, ये सब केमिकल जो है इसके अंदर साबुन के अंदर वो सब मिल चुल के ये कुछ इस तरह का चिपचिपा सा चीज़ बन के रेडी हो गया। गाइस जो हमने 6 साबुन को एक साथ मिलाया था, इसका बदबू कुछ अलग टाइप का है, ठीक है, जो इतना जलने के बाद ये पूरा जल रहा है धीरे धीरे, और इसके अंदर से कुछ बहुत से इतना धुआं क्यों निकले वो मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो इसका स्मेल इतना घटिया है कि मैं बता नहीं सकता, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, इतना घटिया स्मेल है, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। गाइस इसका कलर पूरा काला हो गया जल के सब एक साथ मिल के। गाइस ये तो हमने बर्नर को ऑफ कर लिया, साबुन लगभग पूरा मेल्ट हो चुका है, अब इसे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये पूरा कलर चेंज हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। गाइस तो देखो ये पूरा बबल्स हो गया, तो हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है, ये जमता है या नहीं जमता है। ये देखो ये सब रुई की तरह होके चिपक गया एक दूसरे से। तो गाइस ये पूरा कढ़ाई ठंडा हो चुका है, मैं मास्क हटा लेता हूँ, तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, जो 6 साबुन को एक साथ पिघलाने के बाद क्या होता है। ये पूरा देखिए, ये शायद से भीबेल है, ठीक से बोला नहीं हमने, बहुत ही दिया, और जो साबुन तो सब थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट हो चुका है, देख लीजिए। इसका सेंट कुछ अलग टाइप का ही है, मैं कुछ बता नहीं, इतना बता सकता हूँ कि आप लोगों को ये स्मेल अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है। गाइस ये पूरा क्या बोले, पूरा जलने की बदबू जैसा होता है, पूरा साबुन मेल्ट होकर जल गया और ऐसे ही कुछ बदबू आ रहा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि सब साबुन को मेल्ट करने का रिजल्ट क्या होता है, ये पूरा जम के पूरा स्फलित हो गया। तो हम लोग इसे हाथ तो नहीं धोने वाले हैं, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, बुरा स्मेल आएगा, इसलिए हम लोग इसमें हाथ में ट्राई नहीं कर रहे, या फिर कुछ क्या केमिकल सब मिल गया तो क्या होगा, हम लोगों का स्किन में कोई इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा हम लोगों को तो ये पता नहीं, इसलिए हम हाथों में या फिर स्किनों में इसे ट्राई करके नहीं देख रहे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।